यहाँ पर सरकार महाविकास अगाड़ी की ही बनेगी और भाजपा हारेगी। आप उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करती हैं, वहाँ से मुखिया आते हैं, उत्तर प्रदेश के मुखिया यहाँ महाराष्ट्र में वो कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, इस तरीके के नारेबाजी। हमारे मुखिया वहाँ भी यही कर रहे हैं और उनकी बातों में किसी को नहीं आना चाहिए। वो जितनी गंदी राजनीति वहाँ पर उन्होंने चलाई हुई है उसी का प्रचार करने यहाँ पे आ रहे हैं। उन्हें उनका यही काम है, वो आते हैं, विभाजन की बातें करते हैं चुनाव के वक्त और वोट बटोर के चले जाते। सभी लोग उनसे प्रताड़ित है, हर वर्ग प्रताड़ित महसूस करता है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर के लगातार हमारा चुनावी कवरेज जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं अनुशक्ति नगर में आप देख सकते हैं जिस प्रकार से फहद अहमद के समर्थन में सपा प्रवक्ता पूजा शुक्ला है और साथ साथ में सपा सांसद यहां पर इकला हसन है। हम यहां पर बातचीत करेंगे। क्या लगता है मैम, जिस प्रकार से आप यहां पर महाराष्ट्र चुनाव में घूम रहे, क्या लगता है महाराष्ट्र में क्या होने वाला है इस बार? देखिए, महाराष्ट्र में भाजपा का सफाया होने वाला है ये तय है। तो जो महाविकास अगाड़ी है, इंडिया गठबंधन है, वो यहाँ से जीतेगा। लेकिन यहाँ अनुशक्ति नगर में आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों कैंडिडेट एनसीपी से हैं, एक नवाब मलिक की बेटी सना मलिक है, दूसरी तरफ फहद अहमद है। क्या लगता है कौन सी एनसीपी को लीड मिलेगी? जो एनसीपी भाजपा के साथ है वो हारेगी और जो एनसीपी भाजपा के खिलाफ है वो जीतेगी। अब ये क्या बात हो गया, जो भाजपा के साथ है वो हारेगी? जी बिल्कुल, भाजपा देखिए, भाजपा की जो नीतियां हैं और जिस तरीके से भाजपा ने देश में और यहाँ पर प्रदेश में भी सरकार चलाई है, सभी लोग उनसे प्रताड़ित है, हर वर्ग प्रताड़ित महसूस करता है। तो उन्हें तो हटाना ही, इसीलिए हम सब यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। लेकिन वहाँ महायुति ये कह रही है कि जो भी असली एनसीपी है और असली शिवसेना है वो हमारे साथ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, असली नकली का कोई चक्कर नहीं है। जो भाजपा के साथ है हम उसकी विचारधारा के खिलाफ है और असली एनसीपी वो है जहाँ पे शरद पवार जी जहाँ की लीडरशिप कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर नवाब मलिक, जिस प्रकार से नवाब मलिक की बेटी चुनाव लड़ रही है, कई मौकों पर ऐसा भी देखा गया है कि आपके नेता भी नवाब मलिक जब जेल में गए थे तो उनका समर्थन करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं फहद अहमद के लिए, सामने सना मलिक है, या यूँ कहें तो आप नवाब मलिक के खिलाफ प्रचार कर रही है। क्या आप ऐसा क्या जरूरत आन पड़ी जिस नवाब मलिक को आपके नेता कभी उनके लिए आवाज उठाते थे, आप उनके खिलाफ प्रचार कर रही हैं? जब देखिए, वो उनकी शुरुआत हमारी पार्टी से हुई थी, तो जब अब वो बीच में छोड़कर चले गए हैं तो अब हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है और हम एमवीए के साथ हैं, हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं और हम अपने सहयोगी दल की मदद के लिए यहाँ पर आए हैं। इसमें विचारधाराओं की लड़ाई होती है राजनीति में। जब तक वो हमारी विचारधारा में थे तो हम उनके साथ थे, आज वो हमारी विचारधारा से अलग भाजपा के साथ चले गए, वो हमें हजम नहीं होगा। लेकिन आपकी पार्टी, चूंकि इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो इंडिया अगर कई ऐसी सीटों पर ये ऐसा है कि सपा भी महाविकास अगाड़ी के खिलाफ कैंडिडेट उतार रखी है, ये कैसा गठबंधन है? नहीं, कहाँ पे ऐसा, कई ऐसी सीटें हैं आपको बताइए आप मुझे। अब भिवंडी में चले जाए वहाँ पर महाविकास अगाड़ी के भी कैंडिडेट हैं और उसके बाद सपा के भी कैंडिडेट हैं। देखिए, कहीं कहीं पर अपने कार्यकर्ताओं के लिए भी आदमी को उनके जो मेहनत है वो देखते हुए कई कदम ऐसे उठाने पड़ते हैं और फ्रेंडली मैच है। अगर समाजवादी कहीं भी जीतेगी तो समर्थन एमवीए को रहेगा, इंडिया गठबंधन को रहेगा। अच्छा, तो क्या लगता है यहाँ महाविकास अगाड़ी कितनी सीटें कामयाबी हासिल? देखिए, हमें लगता है कि यहाँ पर सरकार महाविकास अगाड़ी की ही बनेगी और भाजपा हारेगी। लेकिन वहाँ से जब मोदी आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि एक है तो उनके कहने से क्या होता है, करने दो, उनका यही काम है। वो आते हैं, विभाजन की बातें करते हैं चुनाव के वक्त और वोट बटोर के चले जाते हैं। लेकिन अब जनता जागरूक हो गई है, समझती है सब राजनीति को, इस बार बदलाव करेगी महाराष्ट्र की जनता। आप उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करती हैं, वहां से मुखिया आते हैं, उत्तर प्रदेश के मुखिया यहां महाराष्ट्र में वो कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, इस तरीके के नारेबाजी। हमारे मुखिया वहां भी यही कर रहे हैं और उनकी बातों में किसी को नहीं आना चाहिए। वो जितनी गंदी राजनीति वहां पर उन्होंने चलाई हुई है उसी का प्रचार करने यहां पे आ रहे हैं। तो लेकिन वहां पर भी लोग उनके खिलाफ हैं और माहौल उनके खिलाफ लगातार बनता जा रहा है। आपने लोकसभा के चुनाव में देखा होगा, हमारी पार्टी वहां पर प्रमुख पार्टी रही है उत्तर प्रदेश में, और यहां पर भी कोई उनकी इन बातों में बांटने की बातों में नहीं आएगा।